I have just studied Bimal Roy and his use of music like Eklavya. Obviously, I've never met the man. I have never met Salil Chaudhary, but it's the greatest textbook study that I can think of that any student of music can think of Bimal Roy. Any song of Bimal Roy, let's take Suhana. So, the chord is standing there. It's not moving. So, as soon as it starts, Suhana Safar, Yemasam, the rhythm starts from Ding Chicka, Ding Chicka, Ding 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 Chicka. Camera is on him, and he's standing there, and on this rhythm, he starts walking. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Today you have the greatest of the main four lines is actually a chorus line. Is there an incredibly experimental things that he was trying out at that time? And again, a case study with Madhumati. He was dealing with an extraordinary human being called Bhattacharya, who himself was a great writer. His first association with him. Yeah. In a time, today we have multi-track recording, you know. At a time, it, all this had to be part of the music. The But not so many songs. Not at the cost of the but nevertheless, I'm saying he still had the skill to actually make sure that the song really emerged from the story. Yeah, that's true. It, he blended it into the. But for any director, film watchers. We'll be right back.
छोटी थी जब मैंने देखी थी फिल्म तो मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन अभी मुझे रिंकी ने डीवीडी दी है उसकी तो ज़रूर देखूंगी और फिर याद ताज़ा हो जाएगी। लेकिन मुझे याद है सब गाने वाने याद हैं अभी तक, तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी टू सी मधुमती अगेन। बिमल का बहुत ही साइलेंट इंसान थे, जब मेरी बहन नूतन जी ने उनके साथ काम किया बंदनी में और सुजाता में, तो मैं गई थी सेट पे जाती थी तो कभी भी एकदम मैंने शांति से, और मैं तो मेरे को तो यू नो आई वाज नॉट हैप्पी बी सिटिंग क्वाइटली एनीवेयर, बट मतलब छोटा सा स्माइल दे के फिर बात करते थे मेरे साथ थोड़ा सा। तो फिर मेरी बहन मुझे एक चीज़ याद है, मेरी बहन को हर शॉट जो बिमल दा लेते थे वो कौन सा शॉट है कौन सा टेक है वो बराबर याद रहता था, और बिमल दा को क्या चाहिए तो जब कट बोल के रीटेक बोलते थे तो उसको मालूम था कि उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आने चाहिए। तो मैं भी बैठ के मेरे दीदी से सीखी और बिमल दा से सीखी कि भाई शांत होना ज़रूरी है, तो एक क्लैरिटी आती है दिमाग में। आज आपने बुक लॉन्च की है मधुमति अनटोल्ड स्टोरीज, आपने भी उनके साथ एक फिल्म की है मेरे जीवन साथी, उनकी उनसे जुड़ी कोई ऐसी यादगार लम्हे जो इस वक्त आपको याद आ रहे हैं? बिमलदा के साथ कोई फिल्म नहीं की, बिमलदा के साथ मैंने कोई फिल्म नहीं की, आई वुड हैव लाइक टू डू इट लेकिन मौका ही नहीं मिला मुझे, या मैं बहुत छोटी थी उस टाइम में जब बिमलदा डायरेक्शन करते थे, मेरे मैं उनके जहन में आई नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये यादें हैं मेरी जो मेरे बहन ने बताई थी और जो मैंने मेरे बहन के साथ देखी थी। किसी ने बताया कि बहुत अच्छी फिल्म है तुझा, बैंग बैंग मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ भाई, मैं कभी भी किसी के बारे में जजमेंट इवैल्यूएशन नहीं करती हूँ। हर एक्टर का एक टाइम होता है, अगर वो लंबी रेस का घोड़ा है तो वो लंबी रेस जीते भागी, अगर वो छोटी रेस का घोड़ा है तो मैं कौन होती हूँ ये जजमेंट देने के लिए कि ये लंबी रेस का घोड़ा है ये छोटी रेस का घोड़ा है, मुझे पता है। मुझे सब अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है फिल्में देखने का, अच्छी लगती है अच्छी लगती नहीं अच्छी लगती नहीं लेकिन देखती ज़रूर। काफ़ी इससे कारण है, मैंने किताबें भी लिखी है क्यों, क्योंकि अचानक मुझे लगा कि ये फिल्म के साथ जुड़े हुए बहुत लोग जैसे तीनों एक्टर एक्ट्रेसेस और अपने मिले तो प्राण साहब की मेमोरी चली गई, तो एक तो वो बात है। और ये किताब को लेके ये फिल्म को लेके काफ़ी सारी चर्चा होती है कि क्यों बिमल राय जैसे सीरियस फिल्म मेकर ऐसे फिल्म बनाते हैं, तो मेरे भी दिमाग में सर सवाल था कि क्यों क्यों हो रहा है, तो मैंने देखा और मुझे बहुत सारी चीज़ मिले अनकही बातें जो बोल सकते लिखा इसमें किताब में कि हमको तो पता नहीं था कि उनका एक फिल्म मेकर है, बहुत ग्लैमरस काम करते हैं, और एक दिन मैं गई थी उनके साथ आउटडोर में और घड़ी घड़ी मोड़े लिख कर वो गाने के साथ, वहाँ हमने देखा कि पिताजी कैसे मामूली जगह को एकदम खासियत करते थे, थोड़ा कैमरा एंगल और म्यूजिक की वजह से। तो ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत सारे हैं किताब में जो मुझे लगता है कि लोगों को जानकारी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।